स्वागत करते हैं दोस्तों अपने ही YouTube चैनल DB परफेक्ट न्यूज़ में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ठंड का मौसम चल रहा है, इसी बीच मौसम बड़े बदलाव ला रहा है। जी हां दोस्तों, अभी बड़ी खबर सामने निकल करके ये आ रही है। मौसम समाचार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, 24 राज्यों में होगी धुआंधार बारिश। जी हां दोस्तों, दिनों रात नहीं रुकेंगे, बादल बरसते रहेंगे, 24 घंटे लगातार होने वाली है बारिश। जुड़े रहिएगा DB परफेक्ट न्यूज़ के साथ, जानेंगे वो कौन से राज्य है जिनमें 24 घंटे लगातार बारिश होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, तो उससे पहले बता दें, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जी हां दोस्तों, प्रदेश में एक कम दबाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ अब हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश के चलते सुबह के तापमान में हल्की गिरावट के साथ ही लोगों को शीतल लहर और घना कोहरा सता रहा है। लेकिन मौसम बदलने के साथ ही बीती रात के तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों को कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत भी दी है। जी दोस्तों, बीती रात प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में बीती रात करीब 2 दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर पूरे दिन चला है। बीती रात सबसे ज्यादा फतेहपुर में 16.5 mm बारिश दर्ज की गई, वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में करीब 10 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक जहां हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाती है, वहीं अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि होने की संभावना भी जारी की है। दोस्तों बता दें कि दोस्तों बीती रात प्रदेश में लगातार सभी जिलों में बारिश के बाद भी रात के मौसम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों जान लेते हैं, छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि अजमेर, भीलवाड़ा, बनस्थली, अलवर, जयपुर, पिलानी, सीकर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डिग्री, डबोक, डिग्री, बाड़मेर, जैसलमेर, डिग्री, जोधपुर और दोस्तों आपको बता दें कि धौलपुर, नागौर, सांगरिया, जालौर, फतेहपुर, करौली, इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, तो ये था छोटा सा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।